हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर साइंस से और फिजिक्स का चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग देखेंगे जो बेसिक आई का जो स्ट्रक्चर है उसका हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ जो पिक्चर में दिया हो कौन से पार्ट होते हैं। हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है, उसका करेक्टिव कैसे करते हैं, सर्जरी थ्रू होता है या हमारे लेंसेज आई के कैसे वर्क करते हैं, कौन से डिफेक्ट होते हैं, इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं जो यूजली क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। जो हमारा ये आई है इसमें लेंस लगे होता है जिसके थ्रू हमारे इमेज बनता है, वो देख पाते हैं। तो उसका जो फोकल लेंथ है हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहते हैं। इस पावर को ही हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। द आई लेंस फोकल लेंथ कांट डिक्रीज बिलो अ सर्टेन लिमिट। ये तो डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन सर्टेन लिमिट पास हम लोग डिक्रीज नहीं कर सकते। यूजुअली क्वेश्चन आता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम योर आई यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। ये डिस्टेंस होता है अबाउट 25 सी फ्रॉम दैट। अगर ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पर हम लोग कंफर्टेबली देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कैटरेक्ट क्या होता है। एट ओल्ड एज क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। जब एज हम लोग का बढ़ते जाता है तो एक सर्टेन एज के बाद यूजुअली ऐसा होता है कि क्लाउडी और मिल्की रहता है जिससे हम लोग को देखने में दिक्कत होता है। इस तरह कंडीशन जो होते हैं उसमें बोलते हैं कैटरेक्ट। और इससे हम लोग सर्जरी के थ्रू हम लोग अपना विजन है नॉर्मल जैसे हम लोग देख पाते हैं उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्ट। मायोपिया, मायोपिया को हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है यूजुअली कि जो पर्सन है वो नियर के ऑब्जेक्ट जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्लियरली आप देख सकते हैं लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट है उसको देखने में डिफिकल्टीज होती है, धुंधला दिखता है, डिस्टिंक्टली नहीं हो पाता है। रीजन इसको होते हैं एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कि आई लेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है या इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जो आई का जो आई बॉल है उसका बढ़ जाना। इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, करेक्टनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोग चश्मे वगैरह लगाते हैं या ग्लास होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है सुटेबल पावर का। सुटेबल पावर इसमें लिखा गया है कि सबके अलग अलग डिफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी का बहुत ज्यादा एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता हो, किसी का कम, उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। कैन सी डिस्टिंक ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं लेकिन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उससे देखने में प्रॉब्लम होती है। इसका रीजन क्या है, बेसिकली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, यानी फोकल लेंथ जो आई लेंस का है वो काफी बढ़ जाता है या आई बॉल हैज बिकम स्मॉल, आई बॉल छोटा हो जाने के कारण ऐसा होता है। और इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्टनेस इसमें क्या हो सकता है, यानी कि इसमें इलाज क्या है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, यानी जो चश्मे बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज होता है और सुटेबल पावर अकॉर्डिंग टू या रिक्वायरमेंट। थर्ड है फेस मायोपिया, इसमें नियर मूविंग ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली वो अवे हो रहा है। तो इट इज डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने में थोड़ा हमें दिक्कत होने लगता है क्योंकि नियर पॉइंट मूव अवे ग्रेजुअली स्लोली स्लोली वो अवे होने लगता है। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ ये दोनों चीज का ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द क्लियरिंग मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। हम लोग को क्या है, आई लेंस हम लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मसल का कमजोर होने के कारण आप उसे इजिली आप आई लेंस का जो फोकल लेंथ है इंक्रीज डिक्रीज वो करने में बहुत डिफिकल्टी हो। कुछ ऐसे ही पर्सन होते हैं जिनका दोनों प्रॉब्लम, यानी कि उनको नियर भी ऑब्जेक्ट जैसे प्रॉब्लम हो रहा है और दूर का भी। ऐसे लोगों के जो होते हैं बाई फोकल लेंथ, उसमें क्या होता है कि जो चश्मे बनते हैं अपर पोर्शन होता है कंटिन्यूस का और लोअर पोर्शन होता है कन्वेक्स लेंस का। इस तरीके से हम लोग इसको करेक्टनेस कर सकते हैं या हम लोग ठीक कर सकते हैं जिनको बाईफोकल का प्रॉब्लम, यानी कि जिसे मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया दोनों का सिचुएशन है, दोनों के प्रॉब्लम के बीच है, उनको इस तरीके से लेंस चश्मे लगाकर वो ऑब्जेक्ट को आसानी से